हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रागना क्रिम्सन का एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वही जंगल को देख पाते हैं जिसके अंदर एक गुफा बना हुआ होता है और उस गुफा के अंदर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर होता है। ठीक तभी वहाँ पर कुछ लोग उस मॉन्स्टर के लिए खाना लेकर आते हैं और वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। फिर एक लड़की बहुत ही ज्यादा डरते हुए उस मॉन्स्टर के सामने खाना सर्व कर देती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर खाना खाने वाला ही होता है। दूसरी तरफ वो लोग तो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन लोगों को टेंशन होता है कि इस मॉन्स्टर को खाना पसंद आएगा या नहीं। जिसके बाद जैसे ही मॉन्स्टर वो खाना खाता है तो वो खाना उसको काफी ज्यादा पसंद आता है, जिस वजह से वो शेप काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने लुक को चेंज कर लेता है और उस शेप को बोलता है, मुझे तुमको भी टेस्ट करना है। ये बोलने के बाद वो मॉन्स्टर उस शेप को खा लेता है। फिर वो अपने टेंटिकल्स की मदद से वो बाकी दो वेट्रेस को भी पकड़ लेता है और उन्हें भी कच्चा चिबा जाता है। लेकिन वहाँ पर और एक लड़की होती है जो कि ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस लड़की को भी अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। और फिर वो मॉन्स्टर बोलता है, गॉड ने हम लोगों को परमिशन दे दिया है सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का, इसका मतलब मैं हर एक इंसान को अब खा सकता हूँ। दूसरी तरफ शहर के अंदर जंगल का हर एक पेड़ घुस गया होता है और वो सभी पेड़ अपने जड़ों की मदद से लोगों को नुकसान पहुँचाने लगता है। वहीं पर साइक सभी पेड़ के जड़ों को काट कर आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ लियो भी सभी पेड़ को काटती चली जा रही होती है, लेकिन तभी कुछ पेड़ उस घर को भी हमला कर देते हैं जिस घर के अंदर रागना सोया हुआ था। और फिर कुछ पेड़ के जड़ रागना को पकड़ लेते हैं, जो देखकर तो लियो काफी ज्यादा डर के मारे उसको बचाने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है। लेकिन तभी कुछ पेड़ के जड़ लियो के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और ये सब कुछ रागना सेंस कर लेता है, जिसके वजह से उसका नींद टूट जाता है। और फिर वो अपने पावर को अवेकन करके वहाँ पर सभी पेड़ों के जड़ को बहुत ही आसानी से काट देता है। इसके बाद रागना जंगल के अंदर कुछ महसूस कर पाता है और फिर वो जंगल के अंदर जाने लग जाता है, जो देखकर लियो भी उसका पीछे करने लगती है। लेकिन रागना इतना ज्यादा फास्ट होता है कि लियो तो उसका ढंग से पीछा भी नहीं कर पा रही होती है। और जंगल के अंदर जाते हुए रागना अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं सो गया था? मैं इस सिचुएशन में कैसे सो सकता था? मुझे लियो को बचाना पड़ेगा क्योंकि वो डेंजर अभी तक टली नहीं है। और फिर रागना उस मॉन्स्टर के बेस के अंदर भी आ जाता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर रागना को बोलता है, ये मेरा जगह है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ठीक वहीं पर ही रुक जाओ। लेकिन रागना उसका एक भी बात नहीं सुनता और वो सीधा उड़कर जाकर उस मॉन्स्टर को एक जोरदार किक करता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और इस किक की वजह से वो लड़की भी वहाँ पर बच जाती है। और फिर रागना अपने मन में बोल रहा होता है, मैं एक श्रापित बच्चा हूँ, मेरा फ्यूचर बिल्कुल फिक्स्ड है कि मैं सब कुछ खोने वाला हूँ, लेकिन और नहीं, मैं अब और कुछ भी नहीं खो सकता। और इसके बाद तो रागना एकदम एक्सट्रीम मोड में ही चला जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं इस दुनिया का हर एक ड्रैगन को मिटा दूंगा। तभी वो लड़की रागना को पीछे से बोलती है, क्या तुम ठीक हो? वहीं पर रागना जब उस लड़की को देखता है तो वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अच्छा हुआ कि मुझे तुमको ढूंढना नहीं पड़ा। और ये सब बातें सुनकर तो वो लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। रागना बोलता है, हम दोनों मिलकर सभी ड्रैगन को एक साथ मिटा देंगे, मेरी मदद करो क्रिम्सन। वो लड़की बोलती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं क्रिम्सन नहीं हूँ, मेरा नाम तो कुछ और ही है। ठीक तभी रागना उस लड़की का नाम एलिजा यॉर्कशायर बता देता है और उस लड़की के और भी डिटेल्स बताने लगती है कि तुम 14 साल की हो, तुम एक मेल हो। और ये सब सुनकर तो वो लड़की और भी ज्यादा कंफ्यूज होती है। तभी रागना उसके पास जाकर बोलता है, तुम हो क्रिम्सन ड्रैगन मोनार्च, तुम फर्स्ट सीट की विंग मोनार्च हो, ब्लड ऑफ द विंग की फॉर्मर मोनार्च, और तुम ड्रैगन के बीच में एक ट्रेटर भी हो जो कि ड्रैगनों को धोखा देकर ड्रैगन को ही मारेगी। तुम्हारा टारगेट ये है कि तुम सभी ड्रैगन को मार दोगी, यहाँ तक कि तुम खुद को भी नहीं छोड़ोगी, और इसका तुम्हारा कारण क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद रागना अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, मुझे यूज करो क्रिम्सन, हम दोनों मिलकर सभी ड्रैगन को मार देंगे। लेकिन वो लड़की रागना को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और बोलती है, तुम ये सब क्या बकवास करे चले जा रहे हो? मैं कोई लड़का नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ड्रैगन मोनार्क हूँ। ठीक तभी वहाँ पर लियो आ जाती है और बोलती है, रागना तुम काफी ज्यादा फास्ट हो। और अचानक से वहाँ पर वो मॉन्स्टर फिर से आ जाता है, जो कि इस बार कुछ ज्यादा ही ताकत पर हो गया था, और वो बोलता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मुंह पर लात मारने का? ये बोलने के बाद वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है, जो देखकर रागना अपने पावर से एक बॉल बनाकर उस मॉन्स्टर को खिला देता है और वो टेलीपोर्ट होकर कोई और जगह पर आ जाता है। और वो बॉल खाने के वजह से दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर का पेट फूलने लग जाता है, जिसके बाद वो ब्लास्ट होकर वहीं पर ही मर जाता है। और इसके बाद रागना लियो को नीचे उतारता है और उसको कुछ अजीब सा होने लगता है, जो देखकर लियो बोलती है, क्या तुम ठीक हो? रागना हाँ में जवाब देता है। फिर लियो बोलने लगती है,
तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो और मुझे पता था कि तुम एक दिन पावरफुल जरूर बनोगे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी और अचानक से हो गया। रागना बोलता है, लियो मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम जल्दी से शहर के सभी लोगों को लेकर किसी और शहर में शिफ्ट हो जाओ। लियो बोलती है, तो फिर तुम्हारा क्या तुम नहीं आओगे? रागना बोलता है, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं वो काम निपटा कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जो सुनकर लियो बोलती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। रागना बोलता है, बेवकूफ मत बनो, मैं बहुत ही ज्यादा डेंजरस काम करने जा रहा हूँ। लियो बोलती है, क्या हुआ तो वो डेंजरस है? मैं भी तो एक ड्रैगन हंटर हूँ, ड्रैगनों को मारना ये तो मेरा भी एक जॉब है। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम मुझे पीछे छोड़कर, अकेला छोड़कर तुम अकेले ही चले जाओगे? और ये बोलते हुए लियो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, जो देखकर तो रागना भी काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोलने लगता है, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि लियो इतना ज्यादा इमोशनल हो चुकी है। बचपन से लियो काफी ज्यादा ताकतवर थी, वो हमेशा एक एडल्ट जैसा बिहेव करती थी, उसने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट भी किया, लेकिन वो तो एक बच्ची है, एक 12 साल की बच्ची, और इसका कारण है सिर्फ मैं, क्योंकि मैं कमजोर था, एक पैतृक था, और मुझे बचाने के लिए लियो काफी ज्यादा ताकतवर हो गई। लेकिन अब मुझे लियो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मैं उसको अंत तक प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद रागना लियो से बोलता है, मैं तुमसे मिलकर एकदम बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड था, लेकिन अब से मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि तुम कमजोर हो और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो सिर्फ मार ही जाओगे। ये सुनने के बाद तो लियो को काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो रागना को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रागना उसके अटैक को बस एक ही उंगली से रोक कर उसको दूर फेंक देता है और उससे बोलता है, गुड बाय लियो। वहीं पर ये सब कुछ वो लड़की पत्थर के पीछे से छुप कर देख रही होती है, और यही पर ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम लियो को देख पाते हैं, जो कि साइस के पीठ पर होती है, और वहाँ पर और भी सारे विलेजर्स होते हैं जो कि अपने शहर को छोड़कर किसी और जगह पर जा रहे होते हैं। वहीं पर लियो तो रागना के बारे में सोचकर काफी ज्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है, रागना आखिरकार तुमने मुझे क्यों छोड़ा? अब अगले सीन में रागना एक जगह पर खड़ा हुआ होता है, तभी वो लड़की आकर बोलती है, क्या तुम ठीक हो? और रागना तो जब पीछे घूमता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, और रागना को रोते हुए देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा अजीब लगता है, और फिर वो बोलती है, मैं भी जा रही हूँ, लेकिन तभी रागना उसको रोकते हुए बोलता है, क्रिमसन मेरी स्टोरी तो सुनते जाओ। जो सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होकर बोलती है, मैं क्रिमसन नहीं हूँ, और तुमने तो मुझे ड्रैगन बोला था, तो सूरज आने पर मैं तो जल जाऊंगी। रागना बोलता है, तुम्हें इस बात को लेकर टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ड्रैगन मोनार्क का पावर अभी भी सील्ड है। वो लड़की बोलती है, क्या तुम अब बस भी करोगे? तुम चाहो तो ड्रैगन गॉड से फाइट कर सकते हो, तुम अकेले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, और जैसे कि तुम देख सकते हो मैं कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हूँ। जिसमें रागना बोलता है, क्योंकि तुम फ्यूचर में अपने जेंडर को चेंज कर दोगी। ये सुनने के बाद तो वो लड़की गुस्सा होकर आगे बढ़ने लगती है। असल में ये लड़की वही लड़की होती है जिसको कि हमने एपिसोड ऑन के अंत में देखा था। इसके बाद रागना अचानक से क्रिमसन के सामने आ जाता है और बोलता है, क्रिमसन जैसे कि तुम देख सकते हो मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, अच्छी तरीके से कुक कर सकता हूँ, घर का हर एक काम कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हें नहला भी सकता हूँ, जो कि मैं पहले लियो को करा करता था। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रख सकता हूँ जैसे कि मैं पहले लियो का रखता था, इसलिए मेरे साथ काम करो ताकि हम पूरे ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर सके। क्रिमसन बोलती है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तुमने अभी अभी अपने दोस्त लियो को छोड़ा है और अचानक से तुम अब मुझे अप्रोच करने लगे, तुम तो बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो। तभी अचानक से रागना वहाँ पर बेहोश रहता है, जो देखकर क्रिमसन जब उसके पास जाकर उसको चेक करती है तो उसे पता चलता है कि रागना को तो हाई फीवर है, और इसी का फायदा उठाकर क्रिमसन उसके साथ कुछ करती है। देन अगले सीन में हम फ्यूचर रागना को देख पाते हैं, जो कि एक ड्रैगन को मारकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिमसन का एक वर्षन आ जाती है और वो रागना को बोलती है, तुम्हारे अंदर अनबिलीवेबल पावर है। रागना बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन? क्रिमसन बोलती है, मैं एक ड्रैगन हूँ। जो सुनने के बाद ही रागना बहुत ही जल्द से उसको बीच में से ही काट देता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिमसन का और एक भर्सन आ जाती है और वो बोलती है, रागना मेरे साथ जुड़ जाओ, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन रागना उसका भी गला काट देता है। ठीक तभी वहाँ पर असली क्रिमसन आ जाती है और यही पर ही सीन कट होता है, और अगले सीन में रागना एक गुफा के अंदर बेहोश पड़ा हुआ होता है और वहाँ पर क्रिमसन भी बैठी हुई होती है। ठीक तभी रागना को होश आता है, जो देखकर क्रिमसन उससे पूछती है, क्या ड्रैगन सच में इस दुनिया को तबाह कर देंगे? रागना बोलता है, हाँ बिल्कुल, इसलिए हम दोनों को मिलकर जल्दी से ड्रैगन को खात्मा करना पड़ेगा, स्पेशली ब्लड ऑफ द विंग को। क्रिमसन बोलती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? रागना बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैं और तुम मिलकर पूरे ड्रैगन का खात्मा कर देंगे। ये सब सुनने के बाद क्रिमसन अपना मुंह घुमा लेती है और फिर वो अपने मन में बोलने लगती है, एक इंसान जो कि मेरे असली सेल्फ को जानता है
और उसने बोला है कि वो फ्यूचर से आया है। लेकिन ये मजेदार है क्योंकि जब वो बेहोश हो गया था तब उसके बारे में रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला जो सिल्वर सॉर्ड है वो उसके बॉडी के साथ फ्यूज्ड हो चुका है और उसकी बॉडी खुद से सिल्वर राइन भी पैदा कर पाती है और इसके अंदर जो पोटेंशियल है ये बहुत ही ज्यादा हाई है और मैं उसको ट्राई करना चाहती हूँ और इस टूल को यूज करके मैं सभी ड्रैगन्स को मार दूंगी। बहुत समय के बाद मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ और ये बोलते हुए तो क्रिम्सन एकदम पागुली की तरह बिहेव कर रही होती है। ठीक तभी अचानक से बहुत सारे ड्रैगन शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं जो देखकर रागना और वो लड़की दोनों ही अवेयर हो जाते हैं और फिर रागना उस लड़की को पकड़कर उस ड्रैगन की तरफ ही जाने लग जाता है और फिर वो एक ड्रैगन को लात मार कर ही नीचे गिरा देता है जिसके बाद एक एक करके वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर रागना अपने पावर को अवकन कर अपने आसपास बहुत सारे सिल्वर सॉर्ड को इकट्ठा करता है और फिर उस मेन ड्रैगन के अंदर अटैक कर देता है जिस वजह से वो ड्रैगन बहुत ही आसानी से बर्फ में फ्रीज होकर मर जाता है और एक सॉर्ड उड़कर क्रिम्सन के हाथ में आकर गिरता है और फिर वो उस तलवार को देखकर रागना की तरफ देखने लग जाती है और सोचती है मैं एक आर्मी बनाऊंगी जिसके सभी के पास यही सॉर्ड होगा और ये सोचकर तो वो काफी ज्यादा क्रीपी सा स्माइल करने लगती है और तभी वो अपने मुंह के अंदर से बहुत सारे स्लाइम का उल्टी कर देती है और उन स्लाइम को ऑर्डर दे देती है जिसकी वजह से वो स्लाइम बाकी जितने भी ड्रैगन्स थे उनके चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर क्रिम्सन अपना हुलियत भी पूरी तरीके से बदल लेती है और उन सभी ड्रैगन्स को बस एक ही मंत्र पढ़कर बहुत ही आसानी से मार देती है और क्रिम्सन को असलियत में देखकर रागना बोलता है मुझे पता था कि तुम ही क्रिम्सन हो। क्रिम्सन बोलती है तुम रागना हो और फिर क्रिम्सन रागना की तरफ एक पॉइजन का बोतल फेंक देती है जो कि पीने के बाद तुम्हें एक्सट्रीम दर्द देकर मार देगा लेकिन तुम चिंता मत करो ये तभी काम करेगा जब तुम मुझे मारना चाहोगे या मुझे मारोगे क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और फ्यूचर में तुम मुझे भी मार सकते हो इसलिए मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जुड़कर सभी ड्रैगन्स को मारूं तो फिर इसको पी जाओ। क्रिम्सन की ये बोलने की देर होती है कि तभी वो देखती है कि रागना तो वो पी भी चुका होता है जो देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है तुमने इतनी जल्दी पी भी लिया आखिरकार तुम इतना ज्यादा उतावले किसके लिए हो रहे हो। रागना बोलता है क्योंकि मैं सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जो कि मैं फ्यूचर में नहीं कर पाया लेकिन मैं अभी कर सकता हूँ वो सभी चीजें जो कि मैंने फ्यूचर में खो दिया मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। क्रिम्सन बोलती है तुम कोई हीरो तो नहीं हो लेकिन तुम एक बहुत ज्यादा अच्छे टूल हो और तुम्हें यूज करके मैं ड्रैगन्स के 6 ब्लड लाइन विंग स्केल क्लॉ रोर आई और बोन सभी को खात्मा कर दूंगी। ये सब सुनकर रागना बोलता है मैं तुम्हारे साथ दूंगा और फिर हमें बताया जाता है कि आज से शुरू होती है ड्रैगन को खात्मा करने का कहानी और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एनिमे तो एक एक एपिसोड के साथ बहुत ही ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। आप लोगों को ये एनिमे कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।